दोनों और खुशी को हमने एक ही सीट बेल्ट में बांध दिया। हमारे पंडित जी थे यहाँ पर राधे कृष्णा बढ़िया। दो चार साल पहले से बहुत खस्ता हालत हुआ करती थी, मक्खन बनी हुई है। इस टाइप के जो है बड़े बड़े, कौन सी चट्टान है, कौन सी लोकेशन है, आप पहचान नहीं सकते हो। किलो में मिलता है क्या वो? बहुत। कितना किलो भी? एक हफ्ते का, तीन दिन के लिए। वो भी मेले के लिए जा रही हूँ मैं। दोस्तों मेला बहुत ही गलिया बगीरा जीते रहे। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बलवंत गोरंगा स्वागत करता हूं आपका देव उत्तराखंड के खूबसूरत अपने गांव देकुना से। तो दोस्तों इस समय हूं मैं मोसरा घाटा में। ये है मन्नू ब्लॉगर, मेरी वाइफ, और हम जा रहे हैं इस समय ससुराल की ओर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंसूरी नगर से आगे। दो चार साल पहले से इस रोड की हालत जो है बहुत खस्ता हालत हुआ करती थी, और आजकल जो है मक्खन रोड बनी हुई है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों ये रोड जो है मक्खन हो रही है आजकल, ये देखिए। और बढ़िया से जो है बोर्ड भी बने हुए हैं। मोड़ों पर सावधानी पूर्वक चलें। इस टाइप के जो है बड़े बड़े बीआरओ ने जो है बोर्ड बना रखे हैं। देखिए कौन सी चट्टान है, कौन सी लोकेशन है, आप पहचान नहीं सकते हो। इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है आजकल यहाँ। और गाइज यहाँ पर जो है दृष्टि भी हमारी सो गई है। आज तक तो गाड़ी में बैठते मोसरा घाटा तक मेरे साथ बैठी, और जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया मम्मा के साथ बैठी अपनी, तो जो है सो गई है वे। इसका सोने का टाइम भी हुआ था, तब इससे जल्दी नींद आ गई। नींद आ गई इसको। और आज एकादशी का व्रत था मम्मी का, तो सुबह मम्मी ने पूजा पाठ की। थोड़ी सी क्लिप ये है उस पूजा पाठ की। और दोस्तों हमारे पंडित जी थे यहाँ पर राधे कृष्णा, उनका जो है ट्रांसफर भी हो गया आज अपने गांव में ही भैंसकोट, और उनकी भी विदाई हो गई आज। गाड़ी में पैक हो गया सामान, मामू जी जा रही है गाड़ी में? जा रही है गाड़ी में? ये यहाँ से आ गई गाड़ी, देख वो देख गाड़ी आ गई, गाड़ी 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 ना आ रहा शायद ना। अच्छा बोलो, ठीक है मामू, ठीक बाय 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 पहना बोल दे। एक से डेढ़ साल रहे हुए यहाँ पे, और उसी एक से डेढ़ साल में उन्होंने अच्छी छवि बनाई, सारे लोगों से जान पहचान। तो गांव वालों को बहुत बुरा लगा इस पे विदाई पे, क्योंकि उन्होंने जो है एक साल में अपनी छवि ऐसी बना दी थी कि वह जो है हर किसी के घर में, हर किसी के परिवार में उठना बैठना था उनका बढ़िया। तो दोस्तों इस समय टाइम हो रहा है 3 बजा हुआ है, कितना हो रहा होगा, 3 ही बजा होगा ना, 3 या 3:30 के आसपास हो रहा है। और जो है धूप हमारे रमाड़ी से निकल चुकी है, धूप पहुंच चुकी है हमारे देखना स्कूल से थोड़ा नीचे नीचे है गाइज, ये देख लीजिए ये वाले एरिया में देखना के नीचे वाले एरिया में पहुंच चुकी है धूप। ऊपर से कितने
चट्टान देखिए, देखो ना मैं यहाँ से जो दिख रहा है, लेकिन वहाँ जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा, वहाँ जाके इतने भी बड़े चट्टान नहीं है ये जितना आपको लग रहा है। सूर्यास्त पहाड़ी मस्त वाला सीन होने वाला है। ठीक जो है दो पहाड़ियों के बीच से जो है सूर्य जो है अस्त होने की ओर जा रहा है। गिरा बगीरा, दृष्टि धीरे धीरे आंखें खोल ली है, हल्की हल्की से और बंद कर दी है। कितनी खुशी हो रही है तेरे को आज? बहुत ज्यादा। बहुत कितनी होता है वो? बहुत किलो में मिलता है क्या वो? बहुत अच्छा। कितना किलो भी? कितना किलो? इतनी खुशी हो रही है क्या बताऊं। अच्छा कितने टाइम बाद जा रही है आज? 3 महीने होने वाला होगा। तो फिर 3 महीने में? 3 महीने में 1 हफ्ते के लिए। अच्छा 1 हफ्ते का? 3 दिन के लिए, वो भी मेले के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा कल मेला है? कल है दोस्तों मेला, 3 दिन का मेला रहेगा। मेला वाला ब्लॉग भी आएगा? आएगा बोलते फिर मन्नू ब्लॉगर, मेले वाला ब्लॉग जरूर आएगा, जरूर देखिए आप, इंतजार करिए उस ब्लॉग का आप, मेले वाले ब्लॉग का। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं सामा मार्केट में, और ये सामा की जो है छोटी सी मार्केट है, पहले भी ब्लॉग में दिखाई होगी वैसे मार्केट मैंने सामा की। और यहाँ से मोनिका, कविता और खुशी भी आ रहे हैं, फोन आया। चलो ढूंढते हैं फिर उनको, कहाँ है वो, उन्हीं को ढूंढते हैं छोटी सी मार्केट में। कमरा यहाँ को है ना उनका, बाजार में घर से उधर को तो लेके उनको। एक किलो गरना गरना। तो जब मोनिका, खुशी और कविता यहाँ पे हैं, अब दृष्टि भी खुश हो जाएगी ना। जीते रहे जीते रहे। वहाँ देखो ना, वहाँ यहाँ देख दीदी, देखो ना कौन है। हेलो बोलो, पहला बोलो। हेलो भाभी बोलो ना। हेलो भाभी बोलो, जय बोलो, जय। चलो फिर मंकू कैसी है? जगह बनाते हैं पहले, चलो फिर आओ, पहले जगह बनाते हैं उनका। सामा पहुँच गए, बोलो सामा मार के लोग। अरे उठ गई है यार, मार्केट क्या कर रही है? तो गाइज हम पहुंच चुके हैं कार लेक से नीचे को, और मन्नू ब्लॉगर पीछे बैठ गई है अब, क्योंकि यहाँ मोनू और खुशी बैठे हैं। तो मन्नू ब्लॉगर जो है बहुत उदास हो रही है अब। उदास ना हो, ये मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। सामा से इधर को आते ही जो है ये उदासी छाने लगी, इसके चेहरे को देख सकते हो आप कितनी उदास है ये। और ये मोनू, मोनू क्या है? मोनिका को हो रही है खांसी, टोपी ओपी डाल के बिल्कुल ठंडे से खांसी हो रही है इसको। मोनू और खुशी को हमने एक ही सीट बेल्ट में बांध दिया, क्योंकि ये दोनों सो गए थे। ये देख लटकने लगी, नीचे लटकने लग गए दोनों, एक ही सीट में बैठे हैं, एक ही सीट बेल्ट से बांध दिया फिर इन दोनों को। तो गाइस जब हम पहुंच गए हैं सुपेगेर मार्केट पे, यहाँ पे ना मेले की तैयारियां भी हो रही है, यहाँ कोई मैच नहीं आ रहा। मैच कल आएंगे तैयारी आज होगी। ये देखो पालक आ गया, बोलो। लेकिन इधर रोड पर नहीं दिखी, हाँ खड़े जो भीड़ दिखी। भैया बोलो ना, नमस्ते बुबू कहो यार, नानू पहला बोल, नानू कह दी के हो गया बुबू।
ओ बल में हसी नहीं तू अभी पहला का के घर जा रहे हो बढ़िया हुआ दे दे नौकरी दे दे घर अच्छा ठीक है बाय 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 पहना बोल दे।